दोस्तों, आज मैं आपके लिए 2018 में रिलीज हुई एक स्पेनिश हॉरर मूवी लाया हूँ जिसका नाम है लूसिफरीना। फिल्म के स्टार्ट में हम लीड कैरेक्टर नेटालिया को देखते हैं जो कि कॉन्वेंट के किचन में काम कर रही थी। लंच के बाद नेटालिया का एक्स उसे बताता है कि जल्दी उसे जबरदस्ती यहाँ से भेज दिया जाएगा। साथ ही वो उसे अपने बचाव के लिए एक क्रूसिफिक्स भी देता है। नेटालिया को उसकी बातों की बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे बताया जाता है कि तुम्हारे पेरेंट्स को कुछ हो गया है। एक्चुअली उसकी मदर की डेथ हो गई थी और फादर सीरियसली इंजर्ड थे। नन नेटालिया को फोर्स करती है कि वो वापस घर जाकर अपने डैड से मिले। जाने से पहले नेटालिया दूसरी लड़कियों को ऑब्जर्व करती है जो कि सूरज की तरह ब्राइट रोशनी दे रही थी। असल में नेटालिया के पास गिफ्टेड एबिलिटी थी कि वो लोगों के ऑरास को देख सकती है, चाहे वो अच्छे हों या बुरे। वापसी के रास्ते में नेटालिया को एक डरी हुई लड़की का विजन आता है जिससे परेशान होकर उसकी आंख खुल गई थी। अगले सीन में नेटालिया घर पहुंच जाती है जहां उनकी मेड और उसकी बहन का बॉयफ्रेंड मोरो था। नेटालिया ऊपर अपने फादर को देखने जाती है जो कि काफी इंजर्ड थे। तभी वहां उसकी बहन एंजेला आकर बताती है कि आखिर यहां हुआ क्या। उसका मानना था कि मॉम को किसी इवल स्पिरिट ने पोजेस कर रखा था क्योंकि वो बहुत स्ट्रेंज एक्ट करती थी। वो खुद को एटिक में लॉक करके ब्लैक मैजिक भी किया करती थी। साथ में वो ये भी बताती है कि एटिक में रखी सब पेंटिंग्स मॉम ने ही बनाई हैं, जिनके लिए वो इंक की जगह ब्लड यूज करती थी। यहाँ पता चलता है कि उनकी मॉम ने अपनी रिस्ट काट ली थी और जब फादर ने रोकने की कोशिश की तो मॉम ने उनका ये हाल कर दिया। अब उनके डैड शॉक की वजह से बात भी नहीं कर पा रहे थे। एंजेला को नेटालिया से शिकवा था कि वो उसे पेरेंट्स के पास अकेला छोड़ के क्यों गई। उसके बाद नेटालिया अपनी बहन के फ्रेंड्स ग्रुप से मिलती है जिसमें ऑस्वेल्डो, मारा और एबल थे। मोरो वहां नेटालिया को टीस करने लगता है और फिर एंजेला से भी उसकी लड़ाई होती है। तभी एबल उसे पंच मार के पीछे करता है। नेटालिया बाहर एंजेला के पास चली जाती है जहां उसे ये भी पता चलता है कि एंजेला ने कुछ टाइम पहले एक सीक्रेट एबॉर्शन कराया था। साथ में उसे ये भी लगता था कि वो अपने पेरेंट्स की सगी औलाद नहीं है, सो वो नेटालिया को अपने साथ एक रिचुअल करने के लिए इन्वाइट करती है जिसके लिए वो और उसके फ्रेंड अगली सुबह कहीं जा रहे थे। उस रिचुअल से उन्हें उनके पास्ट के बारे में सब कुछ पता चलना था। लेटर ऑन नेटालिया एटिक में जाकर अपनी मॉम की पेंटिंग्स देखती है जो कि वुमेन की यूट्रस से रिजेंबल कर रही थी। तभी नेटालिया नोटिस करती है कि उसके एक्स का दिया गया पेंडेंट भी कुछ इसी शेप का है, जिसे देखकर वो काफी हैरान हुई थी। उसके बाद सोते हुए नेटालिया को दोबारा उसी लड़की का विजन आता है। वो लड़की भी यूट्रस से रिजेंबल कर रही थी। आगे बढ़ते हुए नेटालिया को बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। तभी अचानक वो क्रीपी लड़की नेटालिया पर अटैक कर देती है जिसके बाद डर से उसकी आंख खुल गई थी और उसके डैड बिल्कुल सामने थे। तभी उसे वार्डरोब से आवाजें आने लगती हैं। नेटालिया चेक करने जाती है तो वो आवाज दीवार से आ रही थी और वॉलपेपर को हटाने पर वहां से बहुत से कीड़े निकलने लगते हैं। नेटालिया वापस जाने लगती है तो वो नाइटमेयर वाली लड़की अचानक से सामने आकर उस पर अटैक कर देती है, मगर ये सिर्फ उसकी हेलुसिनेशन थी। अगली सुबह नेटालिया उठकर दोबारा अलमारी को चेक करने जाती है, मगर तभी वहां मोरो आकर उसे पकड़ लेता है। वो उसे अब्यूज करने की कोशिश करता है लेकिन फिर चला जाता है। नेटालिया को लगता है कि कहीं मोरो एंजेला को भी इसी तरह तंग ना करे, सो वो उसका ख्याल रखने के लिए उनके साथ जाने का डिसाइड करती है। एंजेला और मोरो बाइक पर थे जबकि नेटालिया बाकियों के साथ गाड़ी में जाती है। रास्ते में ऑस्वेल्डो रिवील करता है कि वो लोग ऐसा रिचुअल पहले भी कर चुके हैं और वहां शमन उनकी हेल्प करेगा। दैनिक जगह पहुंचकर वो लोग आगे बोट से जाते हैं। उन सबसे बात करके नेटालिया को पता चलता है कि ये जगह पहले मंक्स की कम्युनिटी हुआ करती थी जिसे बाद में हॉस्पिटल बना दिया गया जहां एबॉर्शन और बाकी इलीगल काम किए जाते थे। वो लोग उस अबैंडन्ड बिल्डिंग के आगे रुककर एंजेला और मोरो का वेट करते हैं। नेटालिया जंगल में एक्सप्लोर करते हुए सेम वैसी ही जगह पहुंचती है जो उसने विजन्स में देखी थी। तभी अचानक से वहां एक बूढ़ी औरत आकर नेटालिया से कहती है कि वो लोग जिस रिचुअल के लिए आए हैं अभी उसके लिए सही वक्त नहीं है। देन नेटालिया उधर से आगे बढ़ जाती है तो एक जगह उसे उस अबैंडन्ड मोनेस्ट्री के अंदर जाने का रास्ता मिलता है। वो अंदर जाती है तो एबल भी उसके पीछे आ गया था। दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं तो नेटालिया खुद को एबल के काफी क्लोज फील करती है। वो एक प्रीस्ट का बेटा था और एक बीमारी सेरेब्रल पाल्सी के साथ पैदा हुआ था जो कि उसके नर्वस सिस्टम को तबाह कर रही थी। नेटालिया भी उसे अपनी एबिलिटी के बारे में बताती है। उसका कहना था कि उसे लोग कभी ब्राइट लाइट के साथ नजर आते हैं और कभी डार्क लाइट के साथ। उसके पूछने पर एबल बताता है कि मैं इस रिचुअल के थ्रू अपनी बीमारी को ठीक करना चाहता हूँ। तभी मारा और ऑस्वेल्डो उन्हें बुलाने के लिए आ जाते हैं कि देर हो रही है, हमें आगे बढ़ना होगा। नेटालिया उन्हें उस लेडी के बारे में बताती है मगर ऑस्वेल्डो बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि नंस तो बहुत पहले ही इस जगह को छोड़कर जा चुकी हैं।
देन उस होली प्लेस पर पहुंचकर वो देखते हैं कि एंजेला और मोरो पहले से वहां थे और शमन का असिस्टेंट मोरो को अंदर जाने नहीं दे रहा था और वो नाइफ निकालकर सबको थ्रेट करने लगता है, बट मारा भी आगे से पिस्टल निकालकर उसे वहां से भगा देती है। देन बाकी सब रिचुअल वाले रूम में जाते हैं। नटैलिया शमन का ऑरा चेक करती है तो वो ब्राइट लाइट दे रहा था। साथ ही शमन नटैलिया को देखकर बोलता है कि वो उसी का वेट कर रहा था। उसके बाद सब लोग शमन का बनाया हुआ पोशन पीकर नीचे लेट जाते हैं। सबके साथ अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। एंजेला को सीजर्स आने लगते हैं और वो बोलती है ये सब उसके डैड ने किया, यानी वो वार्डरोब में छुपकर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। नटैलिया शमन से कहती है कि एंजेला की हेल्प करो, मगर वो नटैलिया को एक और पोशन पिला देता है जिसके बाद उसे भी विजन्स आते हैं, जिसमें वो लेडी को देखती है जो किसी सैटनिक रिचुअल में बच्चे को जन्म देने वाली थी। वहाँ एक आदमी अपने सर से मास्क उतारता है तो वो नटैलिया के डैड थे, जो स्टैचू के वॉर्म से बेबी डॉल निकाल कर उसे बार बार स्टैप करते हैं, जिससे उस लेडी के पेट पर भी खून अपीयर होने लगता है। नटैलिया डर के वहाँ से भागकर वापस मोनेस्ट्री जाती है जहाँ तीन नंस थी। तभी वो रिचुअल वाली लेडी भी आकर उन नंस से हेल्प मांगती है। नन समझ गई थी कि वो कल्ट इस लेडी के बच्चे को अबॉर्ट करना चाहता था। यहाँ रिवील होता है कि एक्चुअली वो लेडी नटैलिया की मॉम थी और नटैलिया अभी विजन में अपनी ही बर्थ देख रही थी। डेविल ने उसकी मॉम को पोजेस कर रखा था और वो बेबी भी खुद लेना चाहता था। नंस उस लेडी का बच्चा डिलीवर कराने में हेल्प करती हैं, मगर डेविल हर तरह से उन्हें रोकने की कोशिश करता है। तभी एक नन क्रूसीफिक्स निकाल कर लेडी के फोरहेड पर रखती है, जिससे डेविल शांत हो जाता है। ये क्रूसीफिक्स नटैलिया के पेंडेंट जैसा ही था और एट लास्ट बेबी जन्म लेता है, जिसका नाम नटैलिया रखा जाता है। नंस उसे वहां से ले जाती हैं, बट डेविल अभी भी नटैलिया की मॉम को कंट्रोल कर रहा था। वो उससे अपनी ओवरीज निकलवा देता है, जिसे वो नटैलिया पर फेंकती है, जिससे वो घबराकर होश में आ जाती है। तभी अलार्म की आवाज पर उसे रियलाइज होता है कि रिचुअल को स्टार्ट हुए 6 घंटे गुजर चुके हैं। वो आसपास देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं था, बट सबके कपड़े पड़े थे। तभी उसे बाहर हॉलवे से आवाज आती है। नटैलिया देखने के लिए जाती है तो बाहर उसे काफी डरी हुई मारा मिलती है, जिसके हाथ में पिस्टल थी। मारा बोलती है कि यहाँ डेविल है जो लोगों को जाने नहीं देगा। साथ ही वो बताती है कि ये पिस्टल मेरे डैड की है, मैं इसे इसलिए साथ लाई ताकि रिचुअल में उनसे कम्युनिकेट कर सकूं इसके थ्रू। एंड तभी अचानक वो फ्रीक आउट होके खुद को ही शूट कर लेती है, ये सोचते हुए कि इस तरह वो अपने डैड से मिल सकेगी। नटैलिया वहां से भागकर हॉलवे में जाती है, जहां सामने चेयर पर कोई बैठा करा रहा था। उसके पास पहुंचकर नटैलिया देखती है कि वो अस्वेल्डो है, जिसकी आंखें निकाल ली गई थीं और पूरी बॉडी जख्मों से भरी थी। नटैलिया बुरी तरह डरकर चिल्लाने लगती है, मगर तभी मोरो पीछे से आके उसके मुंह पे हाथ रख देता है, जिससे नटैलिया को लगता है कि इसी ने अस्वेल्डो को मारा। बट मोरो का कहना था कि उसकी चीखें सुनकर यहाँ आया। एंड देन पीछे मुड़ने पर उसे वहाँ शमन के असिस्टेंट की डेड बॉडी नजर आती है, जिससे नटैलिया और ज्यादा डर जाती है। वो जल्दी से एक रूम में छुप के दरवाजा बंद कर लेती है। उस रूम में एबल भी बैठा रो रहा था, वो भी काफी डरा हुआ था। वहाँ उसे एंजेला की डेड बॉडी भी पड़ी मिलती है, जिसकी आईज भी निकाल ली गई थी। देन अचानक एबल जोर जोर से ड्रम बजाते हुए हंसने लगता है और बोलता है कि ऐसे इस रूम से आवाजें सुनाई देती हैं। साथ ही वो रिवील करता है कि सैटनिक कल्ट भी इसी बिल्डिंग में अपने रिचुअल्स करता था, जिसमें एक बार उसे भी लाया गया था अपने बचपन में उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए। देन अचानक एबल पोजेस होकर शमन का सर काट लेता है और नटैलिया को नीचे धक्का देकर हरेस करने लगता है। बट तभी किसी तरह मोरो रूम में आ गया था। वो नटैलिया को बचाने के लिए एबल से फाइट करता है, बट तभी अचानक वो एंजेला की डेड बॉडी देखकर पागल हो गया था। वो एबल को नाइफ से स्टैप करने की कोशिश करता है, बट एबल के अंदर का डेविल मोरो के ऊपर चढ़कर उसे खाते हुए मार डालता है। नटैलिया सबसे डर के वहां से भागने लगती है, मगर गिरकर बेहोश हो गई थी। फॉर्चुनेटली उसे वही पहले वाली बूढ़ी लेडी आकर बचा लेती है। अगली सुबह होश में आने पर वो उसी लेडी के घर में थी, जो कि एक नन है। वो बताती है कि मैंने ही तुम्हारी बर्थ के टाइम तुम्हारी मदर की हेल्प की थी। साथ ही वो बोलती है कि एबल भी इसी तरह सैटेनिक रिचुअल में पैदा हुआ था। डेविल उन दोनों की ही सोल्स लेना चाहता था, बट नंस ने उन दोनों को उस टाइम बचा लिया, इसलिए डेविल उन्हें किसी तरह लालच देकर दोबारा उसी जगह ले आया। और डेविल ने अभी तक नटैलिया को नहीं मारा, क्योंकि उसे वही चाहिए जो उसने खोया था, मतलब एक बच्चा। वो बूढ़ी औरत ये भी बताती है कि डेविल ने नटैलिया के पैदा होने पर उसे एक नाम दिया था, सो नटैलिया को डेविल से फ्री होने के लिए उस नाम का पता लगाना होगा। उसके बाद वो दोनों उसी मोनेस्ट्री वापस जाती हैं ताकि रिचुअल के थ्रू एबल को एक्सरसाइज कर सकें, जो कि उन्हें अंदर उसी रूम में सोया हुआ मिलता है। ओल्ड लेडी उसके इर्द गिर्द सॉल्ट से सर्कल बना देती है, जिससे डीमन बाहर नहीं आ सकेगा। उसके बाद वो नटैलिया को एक पोशन देती है एबल को पिलाने के लिए, जिससे पोजेस एबल उठकर सर्कल से बाहर निकलने की कोशिश करता है। वो लेडी प्रेयर्स करने लगती है, मगर वो डीमन कई गुना ज्यादा पावरफुल था।
वो सॉल्ट के सर्कल में आग लगा के नटालिया को अपनी पावर से कंट्रोल करने लगता है, जिससे नटालिया इंसेक्ट्स वॉमिट करती है। देन वो उसे हवा में फ्लोट कराता है तो ओल्ड लेडी नटालिया को होली वाटर का पोशन पिलाती है, जिसका उस पर कोई असर नहीं होता। एंड नटालिया पोजेस होके ओल्ड लेडी को दूर फेंक देती है, जिससे सर्कल टूट गया था, और पोजेसेबल बाहर आकर उसे मार डालता है। अगली सुबह नटालिया की आंख खुलती है तो वो सर्कल के अंदर थी और एबल सामने खड़ा था। वो नटालिया पर अटैक की कोशिश करता है मगर सर्कल से अंदर नहीं आ सकता। उन दोनों के आपस में कनेक्शन की वजह से कुछ देर के लिए एबल नॉर्मल हो जाता है। उसने डेविल से नटालिया का रखा गया नाम भी पूछ लिया था, जो कि था लूसीफरीना। सो अब नटालिया डेविल के कनेक्शन से फ्री हो चुकी थी, इसलिए एबल उसे वहां से भाग जाने को कहता है एंड वो भाग जाती है। मगर बोट तक पहुंचने पर उसे याद आता है कि डेविल को बच्चा चाहिए, तो वो एक प्लान बनाकर एक्सोसिज्म पूरा करने के लिए वापस चली जाती है एंड अपने कपड़े उतार कर डेविल को इंटीमेट होने के लिए इनवाइट करती है। एंड जब दोनों इंटीमेट होते हैं तो नटालिया इसको रिचुअल में बदल देती है ताकि एबल को एक्सरसाइज कर सके, और एट लास्ट उसका प्लान काम कर जाता है। डेविल ने एबल की बॉडी को छोड़ दिया था मगर इससे नटालिया प्रेग्नेंट हो चुकी थी, सो वो वापस कॉन्वेंट जाकर नन को हेल्प के लिए कहती है, क्योंकि उसे पता था कि डेविल बच्चा लेने जरूर आएगा। लेकिन नन उसे यकीन दिलाती है कि वो यहाँ सेफ है, कोई भी उसका बच्चा नहीं ले जा सकता। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।